आपके किरदार को बड़ा सराहा जा रहा है, क्या उम्मीद की थी कि इतने कम वक्त के लिए आप स्क्रीन पर रहेंगे लेकिन अपनी मौजूदगी दर्ज करा पाएंगे? एक्चुअली मुझे तो पहले से ही पता था कि ठाकरे जो है वो बाला साहेब ठाकरे की पॉलिटिकल जर्नी है. इट्स नॉट एज मच अबाउट द पर्सनल यू नो रैपो स्वीट हार्ट्स. थोड़ा सा हंसना कम कर देंगे आप लोग? आई डू इट अगेन. मुझे पहले से ही पता था कि ठाकरे जो है वो बाला साहेब जी की पॉलिटिकल जर्नी के बारे में है, नॉट एज मच अबाउट द पर्सनल लाइफ ऑफ मीनाताई एंड बाला साहेब. बट मीनाताई जो थी वो बाला साहेब जी के ज़िंदगी में उनका जो वजूद था, उनकी जो मौजूदगी थी, सहारा था, वो बहुत बहुत अहम था. ये मुझे पहले से ही संजय राउत सर, हमारे प्रोड्यूसर एंड ऑफ कोर्स निर्देशक अभिजीत पांडसे ने बताया था कि मतलब मातोश्री कि जो एक्चुअली जो माँ साहिब थी, उन्होंने जब बाला साहिब ने अपनी पॉलिटिकल महाराष्ट्र के यू नो लोगों को सर्विस दिया, अपने मातोश्री के दरवाजे खोले लिटरली, तो माँ साहिब ने मातोश्री को संभाला. सो मेरे लिए ये बहुत अहम एक मौका था एक ऐसे औरत को पर्दे पर लाने के लिए जो हमेशा मीडिया के सामने आना पसंद नहीं किया उन्होंने. बट आई थिंक फ्रॉम वॉट एवर यू नो हर प्रेजेंस हैज़ बीन जस्टिफाइड इन द फिल्म. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे काम की तारीफ हो रही है एंड स्पेशली द लेटर सीन इज बीन टॉक्ड अबाउट. ओके, मणिकर्णी का जैसे फिल्म सामने होने के बावजूद कमर्शियली भी फिल्म बहुत कामयाब रही, माइट बी आई एम रिपीटिंग माय सेल्फ, और वहाँ सीधा सीधा मैं तो समझता हूँ कंगना से कंपैरिजन हो गया आपका मेरे साथ. वेल एक्चुअली क्या है ना कि हर फिल्म के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट द फेसेस दैट यू सी इन द फ्रंट. बहुत फैमिलीज, बहुत लोगों का मेहनत होता है. सो आई एम सो हैप्पी दैट बोथ द फिल्म्स आर डूइंग वेल. मणिकर्णिका इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी वेल, इक्वली वेल, एंड ठाकरे इज़ ऑल्सो डूइंग वेल. बोथ द फिल्म्स वर अबाउट स्ट्रॉन्ग लीडर्स हु फॉट फॉर देयर कन्विक्शन. मतलब उन्होंने देश के लोगों के लिए एक लड़ाई या जंग जीता है उन्होंने. सो आई थिंक आई एम सो हैप्पी दैट बोथ द फिल्म्स आर डूइंग इक्वली वेल. एक खास सीन है ठाकरे में, उसका बड़ा जिक्र करा जा रहा है, बड़ी तारीफ करी जा रही है, जो वो लेटर बाला साहब ने अपनी पत्नी माँ साहब को लिखा था, उस सीन की बड़ी और ट्वीट भी करे जा रहे हैं आपको लेके कि देयर आर सो मेनी पीपल हु आर इंप्रेस्ड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ योर्स. क्या कहना चाहेंगे? और क्या देखो कब घर में भी आपको मैसेज था कि इतना लोग पसंद करेंगे, इतना रिलेट करेंगे? वेल एक्चुअली वो सीन, वो जो लेटर रीडिंग सीन है, जो बाला साहेब जी का पत्र आता है मीनाताई जी को और वो जो पढ़ती है और भावुक हो जाती है, वो सीन जब मुझे अभिजीत पांडसे ने सुनाया था तभी मुझे पता था कि ये सीन में बहुत दम है. जब हम सीन को शूट कर रहे थे तो यू नो काफ़ी सारी दिक्कतें हुई, फोकस गया, और मैं कोशिश करती हूँ या पसंद करती हूँ कि इमोशनल सीन्स पहले ही शॉट में ओके हो जाए, बिकॉज़ बार बार रोना और अपने आप को फ्रेश करना और फिर से रोना मुश्किल हो जाता है. बट उस दिन थोड़ा सा टेक्निकल एरर्स हो रहे थे तो मुझे अभिजीत सर ने बहुत सपोर्ट किया जस्ट टू कीप माई सेल्फ इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड सो आई कुड डू द सीन. और उस सीन की बहुत तारीफ हो रही है, काफ़ी क्रिटिक्स ने भी उस सीन को मेंशन किया है. मुझे कल लेजेंडरी एक्टर बिस्वजीत जी ने इतना खूबसूरत ट्वीट भेजा एंड लॉट ऑफ लाइक एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट, सो इट फील्स रियली अमेजिंग. आउट ऑफ द बॉक्स मणिकर्णिका की अगर हम बात करें, मणिकर्णिका को लेकर विवाद भी बहुत हो रहे हैं. अभी हाल में ही यू नो वन ऑफ द लीजेंड डायरेक्टर इन साउथ इंडस्ट्री क्रिश, ही क्लेम कि द फिल्म इज डायरेक्टेड बाय हिम एंड कंगना हैज टेकन द क्रेडिट बिकॉज़ शी हैव डन ओनली शी शॉट ओनली वन क्लोज अप एंड शी सेइंग शी इज द वन हु डायरेक्टेड इट. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? Well, honestly, I've not followed this news very closely because I've been parallelly extremely caught up with promoting Thackeray. But I think the good part is that the film is a hit. It's been loved. Kangana's work has been loved and everybody's presence has been appreciated. So I'm sure everybody will benefit from the success of the film. Okay, Kaur, aapne abhi kuch din pehle ek statement diya hai where you said ki you are considered for a film. Then somebody else, you know, some star kid came in the picture and you are asked to lead. If you can comment on this. Aur ab aapko kyun laga ye zarurat hai? Kyunki you know, ab log bolne lage hain, kehne lage hain baat. वेल एक्चुअली यू नो बहुत अच्छी बात है कि हम ऐसे आज एक समाज में जीते हैं जहाँ पे डिप्लोमेटिक होके जीना इज सपोज टू बी नॉट सो मच इज़ नॉट सो मच इन ट्रेंड आई गेस.
And it's not about trend. I guess it's not appreciated anymore. Diplomacy is good to an extent, but people are gathering the courage to talk about experiences that can help others and use platforms strong such as the media to bring about issues that can really help others. So yes, I had mentioned in the course of mere jab main interviews de rahi thi to maine ye zikr kiya tha ki mujhe ek film mein replace kiya tha because some sugar daddy had picked up the phone and one of his relatives was cast instead of me, which is okay, that's fine with me, mujhe usse koi problem nahi thi, but mera bas itna tha ki director ne mujhe मैसेज करना चाहिए था या अच्छे तरीके से प्रोफेशनली कम्युनिकेट करना चाहिए था कि बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन्स नॉट दिस फिल्म बट मे बी विल अप्रोच यू फॉर द नेक्स्ट फिल्म. बट जब डायरेक्टर से कोई मैसेज नहीं आया या कुछ नहीं, मुझे पता भी नहीं था, और ऐसे अक्सर होता है. सो यू नो द वे दे डू इट इज़ अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग एंड इट हर्ट्स. या दैट्स ऑल आई हैड टू से. Well, I will not say that. It will be very unfair to say that. I think talent is something is very important to survive in the industry. Of course, there could be like some opportunities that you can miss out on because, definitely star kids and the way they can promote themselves or they can network. At another level, that's not comparable. I mean, you can't compare that to a rank outsider who comes with no connections, which is normal. Actually, it's not their fault. I think the way I look at it is they are destined with that silver spoon or the golden spoon. We have to work harder, but eventually, it's talent. Yeah. Thank you. Budget. वेल फिल्म इंडस्ट्री से हूँ तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि फिल्म जब बनती है तो इट इज़ अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल मीडियम. कभी कभी बहुत अच्छी फिल्में बनती है, पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करती. सो इट इज़ अ रिस्क फॉर एवरीबडी हु इज़ इन्वॉल्व विद दैट प्रोजेक्ट. सो नेवरदलेस जब टिकट के प्राइसेस कम होते हैं या फिर कोई GST या ऐसे एप्लीकेबल टैक्सेस कम होते हैं तो इट इज़ अ बिग रिलीफ फॉर एन इंडस्ट्री बिकॉज दिस इज़ नॉट अ वेरी सिक्योर इंडस्ट्री. इट कम्स विद अ यू नो इट इज़ अ वेरी ऑब्सक्योर एंड या इट कम्स विद अ प्राइस टैग टू यू नो या सो the tax. Yeah, I mean, like I said, tax हो या मतलब ये सारे applicable taxes है, it will definitely be in the favor because like I said that we come from an industry where it is not guaranteed that this film will earn so much of money. So what you invest in terms of the principal amount, it's not guaranteed ki ye humko benefit milega. So agar taxes kam hote hai to humko uska fayda definitely hota hai, otherwise it becomes like a very big deal for people to make such investments, and it definitely affects the entertainment industry on the larger scale. So thank you. Thank you.